हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मिड विकेट भाई। सो भाई, दिस इज द एरा, दिस इज द टाइम जब वापस ओलंपिक गेम्स आर बैक। द होल, सर नॉट नॉट ओनली द नेशन, द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट द गेम्स हैपनिंग इन पेरिस। एंड वन थिंग, आई थिंक दिस इज नॉट जस्ट दिस टाइम जो अभी पेरिस में हो रहे हैं, बट जब भी कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स आती हैं, एक ना नोशन स्टार्ट हो जाता है कि आई डोंट नो किस कौन से लोगों से आता है, बी इट द कैजुअल से आता है या फिर तू तो हार्ड कोर से आता है, कि क्रिकेट इज सम हाउ रूइनिंग अदर स्पोर्ट्स। मतलब सिंपल मैं पॉइंट बताऊं, इफ यू लुक एट द ओलंपिक टेबल भाई, वी हैव रिसेंटली सीन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, बट एज कम्पेयर टू अदर नेशन लाइक ऑस्ट्रेलिया, द यूएसए, द कैनेडाज, योर जितने चाइनाज, हम लोग ऑब्वियसली वी आर नॉट एट दैट लेवल इन अदर्स, इन दैट मेडल टैली, कि हम उस मेडल टैली को मैच कर पाए। एंड लेकिन लोग somehow correlate that thing to the fact कि इंडिया की population इन सबसे ज्यादा हो चुकी है, लेकिन हम medals इसलिए नहीं ला रहे because we are just one sport nation, that is cricket. Yes, I have and it's basically connected to the fact कि people think हमारे देश में सिर्फ cricketers ही idolize हो रहे हैं, कि cricket ने watching थाल लिए बाकी sport के somehow. Exactly, and see, I have a lot of arguments to make on that. First of all, the countries जो मैंने name करी जो top of the tables रहती हैं, be it your the USA, the China, the France teams, everything, वहाँ पे भी एक अलग sport को इसी दर्जे से देखा जाता है, idealize करते हैं, चाहे वहाँ आपका USA में major league basketball हो, major league NFL हो, be it NFL, NBA, वहाँ पर भी भाई मतलब overall basketball वालों को सबसे ज़्यादा अलग चौड़ मिलती है। हाँ, मेजर लीग बेसबॉल हो, सॉरी बास्केटबॉल हो, कुछ भी हो, इन लोग के लिए बहुत आइडियलिज्म है। यूरोपियन कंट्रीज जो अच्छा कर रही है, बी इट ग्रेट ब्रिटेन, बी इट फ्रांस, वो लोग तो यू नो आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल। दिस इज नॉट अ फैक्ट कि हम लोग इसीलिए नहीं कर पाते, बिकॉज वी वर्शिप वन स्पोर्ट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इन लॉट ऑफ नेशंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्रिकेट इज आल्सो लुक्ड डाउन अपॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार उससे आई डोंट थिंक कि कुछ रेलेवेंस होगा ओलंपिक्स को लेके, बट या कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जो मैं तेरे पॉइंट से थोड़ा रिलेट कर दूंगा, इज द फैक्ट कि बच्चे आजकल जो स्पोर्ट्स देखते हैं, व्यूअरशिप मोस्टली बीसीसीआई ओलंपिक्स की, वो बीसीसीआई खींच लेती है, क्रिकेट खींच लेती है। आई थिंक आई कैन डिसरिगार्ड दिस फैक्ट एट दिस पॉइंट। यस्टरडे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उस टाइम पे लक्ष्य सेन का मैच चल रहा था, एंड सेम पैरेलल टाइम पे इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज चल रही है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऑल दीज बिग नेम्स आर प्लेइंग आफ्टर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द वर्ल्ड कप, जीजी एरा हैज स्टार्टेड, राइट। बट आई थिंक लक्ष्य सेन की मैच की हाइप ज्यादा थी, सिंपली ज्यादा थी वो, ऑब्वियसली, because I think that was because of the fact कि वो higher stake पे था, and मैं ये नहीं कह रहा कि वो cricket से अच्छा होगा या बुरा होगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, cricket was having its own things, but the only difference was कि लक्ष्य सेन का एक stake higher था, and Indians को emotionally connect होना ज़्यादा better लग रहा था, rather than watching that India versus Sri Lanka full game, so it's not about, मेरे दो point तो यही हैं, श्रीनाथ, I'll take your point कि why is this notion coming up सबसे पहले? My simple notion for the fact is ki obviously India has more watching of cricket, okay? Mera simple point ye hai ki cricket ko obviously zyada watching milti hai India mein. Why? Because it's a more brilliantly advertised sports in my opinion. The way advertisers advertise that sport, the way the sport ke ads have gotten into everything commercial, bhai. You see the Indian cricketers getting commercials in the whole, bhai, serials mein aa rahe hain, wo Pepsi ke ads kar rahe hain, wo alag alag brands ki ad kar rahe hain, and they have made themselves the household name. But second fact is, aisa nahi hai ki baaki sports ke log itne famous nahi ho rahe. The moment they actually do something, people do get connected to them. I mean, Saina Nehwal le lo, PV Sindhu le lo, Neeraj Chopra le lo, bhai, they are everywhere. It's all about the advertisers and the way they advertise themselves playing. Badminton lete hain, theek hai? I think badminton is one sport jo every casual watcher plays himself. Matlab literally, badminton is a sport jo tumhe har banda khelte hue dekhega. Uski viewership available hai India mein. बट क्या वो एडवर्टाइज हो रहा है वैसा इंडिया में? आई डोंट थिंक सो। आई वाज कमिंग टू दिस फैक्ट ओनली कि इसमें ना लोग तुझे काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई ओनली क्रिकेटर्स को लोग ज्यादा देखते हैं या फिर क्यों क्रिकेट इतना वो चला है। आई विल से बिकॉज़ द पीपल हु आर रनिंग क्रिकेट, दे टुक देयर अपॉर्चुनिटी वेल।
चाहे 1983 वर्ल्ड कप को तुम लैंडमार्क बोलो, चाहे तुम उसके बाद 2011 को या फिर आईपीएल को एक लैंडमार्क बोलो कि उन्होंने उसके थ्रू उसको एडवर्टाइज कर दिया. कमर्शियलाइज सबसे पहले क्रिकेट ही हुआ था एज अ स्पोर्ट इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक इट इज नॉट अपॉन फैंस, ये हम दोनों के ऊपर नहीं है, ये दिस इज नॉट ओवर द अदर फैंस कि वो लोग क्रिकेट ज्यादा देख रहे हैं, बिकॉज भाई क्रिकेट को ज्यादा दिखाया जा रहा है. सिंपल पॉइंट है. एंड सिंपल फैक्ट, आई थिंक हियर इज वेयर यू शुड अप्रिशिएट बीसीसीआई एज वेल. The way they have created themselves such a strong force in cricket to reckon with. India as a sport, मैं जो हम देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा बोल वाला जो होता है किसी एक institute का है, that is BCCI. BCCI is legit bigger than ICC, and that is a known fact. Unsaid said, it's a known fact that BCCI is legit bigger than ICC. अगर BCCI ने कुछ बोल दिया तो ICC को implement करना पड़ेगा. Who made that happen? Cricketers. Like cricket as a sport made it happen. जो लोग कह रहे थे कि मतलब कहेंगे कि तुम तो कह रहे हो सिर्फ नीरज चोपड़ा को मिलती है. सिंपल एग्जाम्पल ऐसे दीपिका कुमारी को इतनी नहीं मिलेगी जितना साइना नेहवाल को मिलेगी, बिकॉज शी हैज अ मेडल एंड दीपिका कुमारी स्टिल ऑल्दो शी इज अ लेजेंड इन द स्पोर्ट बट शी माइट नॉट गेट दैट रिकॉग्निशन इज बिकॉज मैं आप तुम्हें बताता हूँ ओलंपिक्स हमें दिखाए जा रहे हैं तो हम फॉलो कर रहे हैं. जब आर्चरी का वर्ल्ड कप होता है क्या मुझे वो दिखाया जाता है? नहीं. मतलब दिखाया भी जाता तो I don't think इतने advertised होता कि मेरे तक. I as a casual watcher speaking, I did not know that Indian archers क्या इतने ऊपर expectations लेके जा रहे हैं in this competition. I'm being very honest. किसी को पता ही नहीं था कि Indian archery का contention is actually in top most. उनकी all the performances disappointed. But what I learned was they were a medal contingent. कि उनसे medal हम expect कर ही रहे थे. And now coming on to the fact कि government support होता है, BCCI is an independent body. They generate their own revenue, they create their own revenue, they use their own revenue, right? And Indian sports में ऐसा नहीं है. ये अगर तुम कहते ना favoritism की बात आ रही है, मैं तब समझता, तब होता कि भाई मेरे बर्थडे पे मैं चार दोस्तों को पार्टी दे रहा हूँ बट ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसको एक्स्ट्रा दो ट्रॉफी दे रहा हूँ. अगर वो BCCI होती है, I would have taken. But इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं है. बीसीसीआई तो अलग स्पोर्ट ही अलग चल रहा है बिकॉज इंडिपेंडेंट बॉडी है उसकी. एंड बाकी स्पोर्ट्स को जितना रेवेन्यू मिल रहा है आई थिंक वो फेयरली या फिर जैसे भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो लोग करते हैं. नाउ इट्स अपॉन द स्पोर्ट्स हाउ दे एक्चुअली पुट दैट इनटू यूज. सो इट्स नॉट ऑन ईदर फैंस, इट्स नॉट ऑन क्रिकेट. मेरा सिंपल पॉइंट है क्रिकेट ने हिंड्रेंस नहीं लाया, क्रिकेट इज रनिंग पैरेलली. अभी भी लक्ष्य सेन का मैच इंडिया श्रीलंका के पैरेलल चल रहा था ना. डू दैट थिंग इन माय ओपिनियन इफ I think the opposite view should also be started that is India keeping sports, is cricket keeping sports relevant in India? Because cricket being a household thing to watch in India is such a big contribution to the fact that sports is still relevant in India. Varna, bhai, khelloge, koodoge, banoge, kharab wali cheez to chali rahi hai na India mein. But cricket now, making it a household name, ki haan chaliya, cricket to dekh hi lete hain. Cricket to dekhna hi chahiye. Cricket to dekh hi lo, India ka match aa raha hai. Is something that that's increasing the number of viewership of sports in my opinion. Nahi, main usi pe aa raha tha, how you can get more medals now. जो एक सिंपल नोशन है ना भाई, मेरे हिसाब से अगर तुम बोल रहे हो बच्चों को बचपन से क्रिकेट सिखाया जा रहा है बिकॉज इतनी अकेडमी खुल रही है, इतना इन्वेस्ट होता है, हर चीज आई एक्सेप्ट. बाकी स्पोर्ट्स में करना स्टार्ट करो फ्रॉम द बेसिक लेवल. आई कंपेयर दिस टू डायरेक्टली टू द एजुकेशन सिस्टम. अगर हम लोग अपने बच्चों की प्राइमरी स्कूल से पढ़ाइयाँ स्टार्ट करा देते हैं, आई थिंक प्राइमरी स्कूल से हर बच्चे को एक स्पोर्ट लेना स्टार्ट करवा दो एंड इट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट. भाई सिंपल पॉइंट, आई एम नॉट रॉन्ग, ऑल्दो आई विल कट यू ऑफ फॉर दिस, उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड लाइक फ्रॉम सिलेबस, जो हमने अपना सिलेबस भी देखा है उसके अंदर एक नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ आवर्स टू स्पोर्ट्स हैज बीन डेडिकेटेड. उसकी प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन हुई या नहीं हुई नोबडी नोस. भाई दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट वो कि नहीं नहीं, दैट इज माय पॉइंट. पीरियड को, पीई का स्पोर्ट्स को, पीई के नंबर ऑफ टाइम ऑफ प्ले एक बंदे को बाहर खेलना चाहिए एक बच्चे को हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कि कराओ इनको स्पोर्ट्स. यार मैं वही कह रहा हूं, दिस इज माय फैक्ट कि आई वांट टू कीप एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अलग. स्कूल तक सीमित मत रखो उसको. स्कूल इज नॉट, देखो स्कूल का सिंपल पॉइंट ये है कि उसको तुम्हारा बच्चा अच्छा बनाना है एंड पेरेंट्स भी तुम्हें स्कूल की तारीफ तभी करेंगे. ठीक है, आई रेयरली डाउट कि कोई पेरेंट ज्यादा खुश होगा इस बात पर कि मेरे बच्चे को स्कूल वालों ने ऐसे पहुंचा दिया, खिला दिया. सो मेरा पॉइंट है एजुकेशन को स्पोर्ट्स से अलग रखो. दोनों की अलग मिनिस्ट्रीज है ना, लाइक हैव देम डू वर्क इन दैट एस्पेक्ट की ठीक है भाई बच्चों को पढ़ना जरूरी है. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दीस आर टू पोटेंशियल डॉक्टर्स टॉकिंग टू यू कि बच्चों को पढ़ाओ मत, बट एक स्पोर्ट लेना आई थिंक मैंडेटरी कर दो. दैट इज माय बेसिक पॉइंट कि तुम उसको मैंडेटरी करो. प्लस
अब जो बाकी स्पोर्ट्स आ रहे हैं उसकी कवरेज कैसे बढ़ा सकते हो, आई थिंक दे ट्राई टू डू. हॉकी इंडिया लीग बहुत अच्छा इनिशिएटिव था. आई थिंक कबड्डी हैज नाउ गेन्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, जो बीच में 10 साल पहले तक नहीं होती थी, 12 साल पहले तक, विद द न्यू व्यूअरशिप ऐसा पीबी उसको प्रो कबड्डी लीग को बहुत अच्छी व्यूअरशिप मिलती है. इंडिया हैज आई थिंक अ लीग फॉर वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी. Had a league for hockey, वो बंद हो चुका है, had a league for badminton, इंडिया का अब फुटबॉल को भी कितना recognition मिल रहा है, like slowly I am seeing that also making it a household name, धीरे धीरे people are recognizing their clubs, ये club मैं से resonate कर रहा हूँ, इस club से मैं resonate कर रहा हूँ, and this is how slowly slowly hoga, but once you start putting on the Olympic medals, I think that is where everybody, I don't think this conversation helps anyone. Because तुम बाकी स्पोर्ट्स में तो country is trying to progress. जिस country, जिस स्पोर्ट में तुम progress भी कर चुके हो ना, you are disrespecting that sports as well. Simple. Exactly. I think this will this video, just to end it up, I think this video will hurt a lot of people's sentiments on the fact what we are saying. But if you understand the fact, तुम ये सोचना, I was sitting here as a person जो बाकी सारे sports भी देखता है, and Shiraj is sitting as a person who is a core cricket fan but loves to watch other matches जो दिखाए जाए तो, ये मतलब उसको viewership मिलेगी तो, फिर we presented both our perspectives, but obviously we have our biases and you might have your biases. Do let us know in the comments down below what do you feel and how can it work better. Obviously, detailed video over this can be done. अगर तुम लोग चाहोगे तो, we'll have a good discussion with you guys as well. So do not forget to like, do not forget to comment, and do not forget to subscribe if you are new to the channel. मिलते हैं in the next video. See you guys. Bye bye.